नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। खास खबरों में एक बार आप सभी का अपना स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इन खबरों से। स्वयं सहायता समूह और माता समिति के बीच राशन वितरण को लेकर आपसी विवाद के बारे में जानने जब मीडिया की टीम वहां पहुंची तो मीडिया के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की गई। मीडिया दो पक्षों के बीच में उत्पन्न विवाद की जानकारी लेना चाहती थी ताकि दोनों पक्षों के मत जानने के बाद विभाग से सही जानकारी प्राप्त कर शासन द्वारा बनाए गए सभी समूह और समितियों से जुड़ी महिलाओं को समान रूप से रोजगार मिले। वहीं दूसरी ओर बाल विकास अधिकारी CDPO तरुणा चमोला का कहना है कि माता समूह के द्वारा विभाग को बिना अवगत कराए बाजार से राशन खरीदा गया, विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। CDPO का ये भी कहना है कि जब आंगनबाड़ी सेंटर का निरीक्षण करने गए तभी हमारे संज्ञान में ये मामला आया। उच्च अधिकारियों को इस मामले के बारे में जानकारी देंगे। उच्च अधिकारी स्तर पर जो भी निर्णय होगा उसी आधार पर आगे निर्देश दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DCP न्यूज उत्तराखंड। शुरू हुआ वो हमारा नकरानी पास सेंटर से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे पहले ये था कि एक आंगनवाड़ी वर्कर ही माता समिति के द्वारा बंटवा दी थी। फिर उसका रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी बहू का सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, तो उन्होंने हमको लेकिन रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो राशन बांटेंगे। उन्होंने अचानक राशन खरीदा माता समिति के द्वारा और तुरंत बांटना शुरू कर दिया। फिर समूह का ये शिकायत आई कि मैडम इनका हमारा जो राशन है जो हमने खरीद रखा है, क्योंकि इन्होंने हमको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, वो हमारा ख़राब हो रहा है। तो उसके तहत हम 2 तारीख को गए थे वहाँ निरीक्षण करने और हमने फिर उसके तहत उनको सलाह दी है भाई किस तरह से इस विवाद को निपटाया जाए। इसमें ये है कि हम अपने हायर अथॉरिटी को लिखेंगे इसके कि भाई इस तरह का विवाद चल रहा है, जिस तरह का दिशा निर्देश वो प्रदान करेंगे उसी तरह कार्रवाई की जाएगी। इस महीने से हमारी वाला माता समिति ने निर्णय लिया है। मेरा नाम सीमा है, मैं यहाँ की आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हूँ। और माता समिति बैठक करके सभी सदस्य को बुला करके उन्होंने ये बोला कि ये राशन हम खुद से वितरित करेंगे, मतलब खुद लाएंगे और खुद ही हम पैक करेंगे और खुद ही मतलब हम इसको पैक करके और यहाँ पे वितरित मैं करती हूँ, ये सब हम मुझे पैक करके देगी जी। नहीं कोई प्रतिलिपि मतलब है पर कहना वो हमारी जो दूसरी आंगनबाड़ी है वो उसके पास है सामा चौहान। हाँ, तो ये जो व्यवस्था आपने करी है कितने तारीख से करी है? ये 1 मार्च से। 1 मार्च से आपने करी है। तो ये आपने देखी आज की खास खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।